एक गोली चलने का मामला सामने आया और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से ही शादी ना होने के चक्कर में ही उसके घर में घुसकर दिन दहाड़े ही गोली मार दी और खुद को भी यहाँ पर गोली मारने का प्रयास किया है। लेकिन इस बीच लड़की के परिजनों ने प्रेमी को पकड़ लिया और आनंद फानंद में पुलिस को घटना की सूची यहाँ पर पूरी जानकारी दी और जिसके बाद लड़की को गंभीर हालत में ही दिल्ली के जीजीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वही मौके पर पहुंची पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद से एक और मामला सामना है जहां पर लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि यहां पर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है मामला बताया जा रहा है जहां पर प्रेमिका से प्रेमी की शादी न होने के चलते प्रेमी काफी गुस्से में था और जिसके चलते वो प्रेमिका के ही घर पहुंचा और उसने अपने प्रेमिके को गोली मार दी। और उसी खबर पर भी तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। जितेंद्र, प्रेम प्रसंग का एक मामला सामने आया जिसमें प्रेमी ने ही प्रेमिका को गोली मार दी। देखिए, यहाँ एक तरफ प्यार में पागल प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के घर पहुंचकर उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर डाला है जिसकी हालत इतनी नाजुक बनी हुई है। प्रेमिका को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पूरे मामले में एक खास बात यह है कि स्थानीय लोगों ने अपनी जो एक पहल अच्छी पहल दिखाई है और इसको जो जिसने हत्या करने की कोशिश की है प्रेमी को उसको पकड़ लिया है और तभी पुलिस को बुलाया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल जिस तरीके की हालत बनी हुई है उस युवती की, उसके बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा कि क्या कारण था जिस तरीके से उसको हत्याकांड का अंजाम देना चाहा। आपको बता दें कि एक तरफा प्यार में पागल इस प्रेमी की जो स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफा प्यार में ये पागल हो चुका था और कई बार युवती को धमकी दे रहा था। फिलहाल अभी सभी को इंतजार है कि युवती ठीक हो जाए तब पुलिस उनसे बयान देगी। लेकिन अभी जो स्थानीय लोगों का कहना है तो उन्होंने साफ कर दिया है कि एक दफा प्यार में पागल इस युवक ने खुद घर में पहुंचकर तमंचे से कई राउंड फायर किया है युवती के ऊपर जिसके प्यार में वो बिल्कुल पागल हो चुका था और उसको मौत के घाट उतारने का पूरा प्रयास किया है। फिलहाल जो युवती है वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे यूपी के एटा की जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और बताया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को यहां पर शांतिपूर्ण